Very good evening to all. Welcome to Shaare Bharat Sanic Military School YouTube channel. aj class GK and science ki hai. Welcome to all Sanic School Military School YouTube channel. Mastering Sanic School exam with expert guidance in GK and science. That is social science and also question of science. That is physics, chemistry, and biology. Vansh Rathod, Ritesh, Tanish, Arav. कैडेट नेगी मेरे साथ और कौन कौन बने हुए एक्सट्रीम मोटो गेमिंग जय श्री राम हो गया काम वंश राठौड़ अगेन फिज अहमद कर्नल युवराज मिस्टर लाइव लाइव टीवी ओके टीवी संकेत कैडेट अभिनव वर्मा नमन परमानंद और कौन कौन से नाम निकल रहे हैं मेजर रितेश कैडेट त्यागी शिवम गुप्ता वेरी गुड इवनिंग टू ऑल शौर्य वेलकम जय श्री राम कैडेट अभिनव वर्मा ध्रुव फाइन हाउ आर यू ऑफिसर जय हिंद वंदे मातरम. कैसे हैं आप सभी? फटाफट से क्लास लाइक वाला बटन मेरे साथ साथ पुश करना है क्योंकि हम अभी साथ साथ में खेलेंगे क्या दिमाग की कुश्ती दिमाग की कुश्ती खेल रहे हैं हम इसलिए आप सबको आना फटाफट से और लाइक के बटन को तेजी से जब मैं ये चेंज कर लूं मैं यहां से हट जाऊं और अगर ये आ जाए यहां पर और मैं यहाँ से ये हट गया ये आ गया अब देखते हैं लाइक के बटन कितने फास्ट चलते हैं Sir, well, well, also, uh, you, राधे राधे वेलकम जनरल मनीष कैड वेलकम कर्नल युवराज नव मैं भी हूं मैं भी आऊं आऊं क्या आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ आ जाओ पट्टों प्यारो शौर्य वीरों आ जाओ जल्दी से आ जाओ

जो भाई हैं आपके छोटे उनको कहिए कि वो इस स्कूल के लिए आए यहां राजस्थान के जोधपुर के इस प्लेस पर आए और बहुत अच्छी एनवायरमेंट में जो स्कूल है वहां से स्कूलिंग करें साथ साथ में सैनिक स्कूल का भी प्रिपरेशन करें इस फीस में ट्यूशन फीस जो है उसके लिए उसको कवर करने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया जाएगा वो स्कॉलरशिप टेस्ट Of Feb 2024 को स्टार्ट हो रहा 10 onwards. और ये होगा उन्लाइन, और होगा होगा ऑनलाइन ऑनलाइन में भी ये होगा? भारत भारत ऐप ऐप पर तो आप सभी पहले से ही भारत डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भारत .com पर करें राइट देन सेकेंड वन इज वन लाइन ऑनलाइन कोचिंग वन फी टू कोर्सेज अगर आप सैनिक स्कूल का कोर्स लेते हैं आरएमएस का कोर्स आपको फ्री मिलेगा वो भी कितने एटीन थाउजेंड में पहले ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में थाउजेंड का डायरेक्ट बेनिफिट और साथ में ये फ्री में ये सब मिल रहे हैं इन ऑफर थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक ये लेट स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू अब देखते हैं, सेस, लाइक्स कितने हैं बड़े लाइक्स बिल्कुल 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 दीपक पाल आई एम दिलीप कैडेट अभी इंग्लिश की क्लास है और रहीम आज इंग्लिश की अभी क्लास नहीं है अभी मेरी क्लास है जीके एंड साइंस प्लीज बेटा शौर्य मैं अपना दिमाग लोन पे नहीं दे सकता 28 जनवरी को वाह क्या बात निकाली है शौर्य ने गुड अमोली ओके वेलकम कैडटारऑफ क्लास आपके सामने क्या आंसर होगा बताइए इन विच पार्ट ऑफ आर बॉडी फूड गेट्स क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से देना है और तेजी से अब फटाफट से शेयर भी करते जाना है फटाफट से शेयर करते जाइए ताकि ये सीधा पहुंच जाए हाफ सेंचुरी पे हाफ सेंचुरी में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ओके तनिष बिस्ट क्या आंसर दे रहे हैं जरा देखें तो तनिष प्रियंका आर्या वेरी गुड इवनिंग वेलकम बहुत सारे क्वेश्चन है आज मिक्स हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन मीना पार्थिया बहुत तेजी से चल रहे हैं चैट में एक पढ़ नहीं पा रहा हूं बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड से जा रहे हैं त्यागी सुबे सिंह देवेंद्र कुमार ए बहुत बढ़िया बहुत सारे आंसर आ रहे हैं सीधा यहां वर्ड को देखना होगा मैं एब्जॉर्ब कहा है वर्ड ने क्या कहा है कि एब्जॉर्ब कहां होता है तो यहां पर एब्जॉर्ब की बात कर रहा है डाइजेशन की बात नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो नहीं होगा नहीं कर रहा है तो नहीं होगा द मैक्सिमम पार्ट ऑब्जॉर्व इन द स्मॉल इंटेस्टाइन राइट ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम तो है छोटा है ना देखिए छोटी आंत्र इंटेस्टाइन को आंत कहते हैं हिंदी में छोटी है अब हम सोच रहे होंगे जो बड़ा जो बड़ी है लार्ज है उसका तो आंसर हुआ ही नहीं और छोटी वाले को हमने दे दिया ऐसा क्यों पर है छोटी ना है ना कहते हैं ना देखने में छोटा लगे गाव करे गंभीर तो घाव यानी इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है क्यों इस तरह से इसमें लिबरकुन की जो दरारें होती है बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं ये जो हमारी फिंगर्स होती है ना फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर बनके इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जहां पर डाइजेस्टेड फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता है राइट right? क्या होता है डाइजेस्टेड फूड का हो सकता है सर एग्जाम एक बार देखना पड़ेगा बेटा हंड्रेड परसेंट कन्फर्म नहीं जो क्लासेस रेगुलर होती है उसमें आप ये क्वेश्चन पूछेंगे इट इज बेटर या फिर मैराथन के दिन पूछ लीजिएगा हम अभी पूछ लेंगे इसको टेक्निकली क्या है राइट right आंसर फिर आपको आंसर दे देंगे राइट right, बेटा कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है तो ये क्या कहलाते हैं जहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है विली एंड माइक्रोविली है ना क्या कहते हैं इनको विली एंड माइक्रोविली माइक्रोविली राइट यहां सबसे ज्यादा होता है आपको पता है स्टमक में स्टमक से कौन सा एसिड सीक्रेट होता है एचसीएल है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सीक्रेट होता है और स्टमक में बहुत सारे जो प्रोटीन का पार्ट होता है उसके लिए दो एंजाइम सीक्रेट होते हैं एक पेप्सिन और एक रेनिन पढ़ा हुआ आपने राइट लिवर किसके लिए यूज होता है मेटाबॉलिज्म लिवर किसके लिए यूज में आता है मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म जो है लीवर से होता है क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए यहां राइट आपका एग्जाम है टफेस्ट तो मुझे आंसर चाहिए और साथ में चाहिए लाइक्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर क्या करेंगे यस सुबह सिंह स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्ज इंटेस्टाइन बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा बिल्कुल गुड शेयर करें क्लास को फटाफट उम्मीदों के अनुसार यस yes, वंश म्यूकस आता है बाइल जूस आता है सब कुछ बिल्कुल बढ़िया गुड क्यूरियस क्रिएटर सर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली यस एग्जैक्टली बहुत बढ़िया शाबाश क्लास के लास्ट में में अभी नहीं 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 बता uh, Live, TV, I, Matt, बता sorry, आज नहीं बता आज आज पाएंगे मिस्टर लाइव टीवी आई 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 मैं आपको पाऊंगा पाऊंगा बाद एम सॉरी पूछूंगा में भी इसको टेक्निकली ओनली कैन आंसर आंसर यू राइट क्वेश्चन नंबर आपके सामने और आंसर क्या, क्या चौधरी साहब ये कौन है नए गए हैं दिखते डेट नेगी वेरी गुड सुबे सिंह और किसके आंसर प्रियंका आर्या गुड बायो ह्यूमन गुड कृष्णपाल बहुत बढ़िया शबाद संकेत बहुत बढ़िया देखिए जितने नाम मैं ले पा रहा हूं ले पा रहा हूं सभी का मिस्टर लाइव टीवी बहुत बढ़िया गेमिंग भूपेंद्र सिंह इंदा वेलकम जय हिंद गुड आंसर मुमल विनीत कुमार यादव कुमार नारडेरा वेलकम बहुत तेजी से चल रहे हैं माधुरी यादव और मजा आना चाहिए आज शेयर का है ना कल जितना गया उससे पचास ज्यादा तभी मजा आता है हमको भी और तभी हम क्वेश्चन नए नए और बहुत अच्छे देख कर लेकर आते हैं चाचा चौधरी यस तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीधा आंसर हो जाएगा राइस के लिए वाटर ज्यादा 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 चाहिए 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 रेनफॉल रेनफॉल एनुअल तो इसमें ज्यादा कहां है तो राइस का सामने एक लिखा हुआ है मैं इसके सामने एक लिख दिया मैं मैंने एक लिख दिया देन आपको पता है कि बाजरा को कम चाहिए तो बाजरा के सामने हम इतना लिख देते हैं कि बाजरा हो जाए तो आपको पता है कि बाजरा को क्या चाहिए कम चाहिए तो डी के लिए कम लिखेंगे हम तो देखिए बी का तो दो हो जाएगा बिल्कुल ठीक है डी का तीन हो जाएगा और सी का चार हो जाएगा तो ये आंसर आपका राइट right हो जाएगा आप देख लीजिए वन टू फोर थ्री किसमें है वन टू फोर और थ्री है ना डी पहले लिखा हुआ यहां पर इसलिए गड़बड़ हो रहा है और कुछ नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर बाजरा क्योंकि डेजर्ट की क्रॉप है सो उसके लिए रेनफॉल कम चाहिए बस इतना सा दिमाग लगाना था आप सभी को क्या लगाया सभी ने हाँ अभी तक तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ भाई गोला आ रहे हैं ये रागी रिक्वायर द लीस्ट रेनफॉल क्यूरियस क्रिएटर गुड सो दैट द करेक्ट आंसर आई थिंक और डी आंसर वन बी टू ए नो सी इज द करेक्ट आंसर रागी नहीं बाजरा रिक्वायर मिनिमम रेनफॉल यस जनरल मनीष बाकी सभी से हमारे लॉयंस से जितने भी लॉयंस हैं सब समझ रहे होंगे जल्दी से जोश को बढ़ाएं शेयर करें क्लास को फटाफट से धुआंधार जितने भी लॉयंस हैं सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं बाजरा मोस्टली कहां होता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज आंध्र प्रदेश है ना नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश वीट अब वीट में दो क्वेश्चन बनते हैं आपको पता है मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां है यूपी में वीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन यूपी बट अगर क्वेश्चन पूछे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कहा है तो पंजाब में सबसे ज्यादा दो आंसर होते हैं वीट में मैक्सिमम प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ एरिया देन यूपी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इन पंजाब वीट के केस में ध्यान रखना गेहूं राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इंडस्ट्रीज चैप्टर एज यू नो वेरी वेल बताइए आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने सनराइज इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज सनराइज कौन सी इंडस्ट्रीज है राजस्थान में बाजरा यस भूपेंद्र सिंह है yes, ना शेर शाह सूरी कहता है कि दो मुट्ठी बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाह खो देता यानी राजस्थान में क्या होता है बाजरा वो जब गिरी सुमेल व बैटल होता है फिफ्टीन ध्यान रखना तब वो कहता है शेर शाह कि दो मुट्ठी बाजरे के लिए मैं जो दिल्ली का मैं सुल्तान था वो खो देता क्योंकि उसको इस वॉर में बहुत कुछ खोना पड़ता है गिरी सुमेल बैटल ध्यान रखना इसको माधुरी यादव कैडेट अभिनव वर्मा बायोव हाँ फटाफट से शेयर करें सभी फटाफट से फास्ट है ना नमन बहुत बढ़िया शाबाश अभिजीत कुमार शिवम कैडेट नव कूटनीति ध्यान रखो कूटनीति कैडेट नव Pioneer now, D, बता रहे हैं ओके okay, और कौन कौन बता रहे हैं प्रियंका आर्या गुड राइस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना यस त्यागी ओके मनीष क्या बात है चैट रेट बहुत तेजी से बहुत बढ़िया और आगे बढ़ाए चैट रेट को बहुत तेजी से अमोली गुड आंसर डी बता रहे हैं सब बहुत बढ़िया शाबाश बिल्कुल सही आंसर है sunrise industries are industries which are small scale industries no not at all which are well developed and have ample scope for future development okay but that is not sunrise Yeh kuch theek ho sakta hai. which improve exports performance of the country no wo sunrise nahi hai. so correct answer is d which have high growth potential and meet future requirements of the economy ट इज द करेक्ट आंसर सो गुड क्वेश्चन प्लीज टेक माई नेम कुशाल यादव वेलकम कह रहा हूं बेटा नाम निकल जा रहे हैं रिद्धि गुड आंसर यस इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इट्स गेमिंग मूमल हडा डी गुड आंसर देवेंद्र कुमार गुड आंसर शौर्य बमूला गुड आंसर और कौन कौन आ गए हैं युवराज क्या कह रहे हैं तनिष तेरा अगला कौन सा रैंक होगा अच्छा प्रोमोशन होगा तनिष्क यही कह रहे हैं स क्यूरियस क्रिएटर इंफॉर्मेशन आई टी इंडस्ट्री की बात अभी क्वेश्चन आ रहा है डोंट वरी पर आप थोड़ा सा लाइक करेंगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे वैसा क्वेश्चन भी लाएंगे बहुत सारे शेयर द क्लास प्लीज फटाफट से क्लास को क्या करें शेयर करें जो नए आए हैं जो अपने साथियों को जोड़ रहे हैं पहले तो उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच है ना थैंक्स टू ऑल और जो नए आए हैं वो इस चैनल को जिस पर आप देख रहे हैं वो है शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब हंड्रेड परसेंट करना है कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं इस क्लास से वो इंपॉर्टेंट है शाइनीज महामैराथन यूट्यूब पर होगी हंड्रेड परसेंट बेटा यूट्यूब पर होगी शाइनीज फेंटास्टिक क्लब जो महामैराथन है वो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब चैनल पर ही होगी जैसे आज ये क्लास हो रही है वैसे ही होगी सो डोंट वरी चिंता नहीं करें ज फी क्लब मेरा आंसर मेरा रिप्लाई आपको मिल गया यूट्यूब पर ही होगी बटा क्लास माधुरी यादव नहीं क्यों कह रही है यूट्यूब नहीं क्यों कह रही हंड्रेड परसेंट यूट्यूब पे है भूपेंद्र सिंह इंदा मेरा नाम नाम आपका बहुत बार लिया चौधरी साहब डी बता रहे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो उससे पहले हाफ सेंचुरी अच्छा हाँ सेंचुरी हो जानी चाहिए अब जल्दी से है ना अब रोहित शर्मा वाली सेंचुरी चाहिए फटाफट से जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज डैश 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 क्या आंसर होगा बताएं। क्वेश्चन मार्क वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी वेदर इट इज अर्जेंटीना इंडिया पेरू और ब्राजील बताइए यस बहुत सारे आंसर तो मिलना स्टार्ट हो गए हैं देखना कितना फास्ट चलता है रेट अमोली ने थोड़ा सा गड़बड़ दिया बाकी नमन का आंसर गुड है युवराज ने दे दिया था शिव प्रताप साहब और नव वेरी गुड नवनीत का आंसर तनिष का आंसर लेफ्टिनेंट जनरल तनिष नेक्स्ट पोस्ट क्या होगी वो भी बताना था बार बार पूछ रहे हैं सारे शार्दुल वेरी गुड प्रियंका आर्या और भी कोई नाम रह रहा है तो कृपया मुझे माफ करें फटाफट से शेयर करें जल्दी से शेयर करें अच्छे से आंसर दें अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें इट्स मी सिग्मा गुड आंसर गुड आंसर संकेत विनीत यादव गुड आंसर प्रियंका वंश जनरल मनीष वेरी गुड आंसर तो बिल्कुल सीधा है आंसर हो जाएगा ब्राजील ब्राज़ील कौन सी कॉन्टिनेंट की कंट्री है साउथ अमेरिका और जिसको हम क्या कह सकते हैं लेटिन अमेरिकन कंट्री पेरू भी साउथ अमेरिकन कंट्री है कॉन्टिनेंट कौन सा है साउथ अमेरिका इन दोनों का और आपको पता है कि पेरू में एक विलेज है नाम सुना होगा आपने पेरू के एक विलेज का जिसको बोला जाता है माचू पिचू क्या बोला जाता है माचू पिचू माचू पिच्चू यह विलेज सबसे हाइट पर कॉलोनाइज्ड विलेज है सो करेक्ट आंसर इज ब्राजील जो साउथ अमेरिका उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कंट्री कौन सी है ब्राजील अर्जेंटीना अगेन साउथ अमेरिकन ये भी साउथ अमेरिका का है राइट right? तो यहां नेमार है तो यहां मेसी है ओके माचू पिच्चू यस नमन को मजा आ गया माचू पिच्चू द हाइएस्ट कॉलोनाइज विलेज माचू पिच्चू नवनीत मजा लेंगे हम कल माचू पिचू के कल वाली क्लास में अभी नहीं है ना बेटा अभी थोड़ा सा कंट्रोल उदय कंट्रोल यस क्यूरियस क्रिएटर वेरी गुड अर्जेंटीना इज आल्सो इन साउथ अमेरिका सर नमन क्या कह रहे बाजरा का इंडिया है है ना हाँ जी बिल्कुल सर एडमिट कार्ड एम के मनीष पूछे वाइट टी एडमिट कार्ड आने वाले हैं बेटा आने वाले हैं डोंट वरी देखो जो चीज हमारे हाथ में नहीं हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए वो गवर्नमेंट भेजेगी अपने आप आएंगे अपने पास आएंगे और हमें हमें अपने एग्जाम को लेकर कंसर्न करना है आप वही कर सकते हैं ना उस दिन जाकर वहां आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए दैट इज ऑल बाकी सब छोड़ दीजिए दिमाग से अपने आप आएगा जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट करेगी जो अपना काम है हम तो वो करें और वो ऐसा करें कि सब पीछे रह जाएं और शौर्य भारत के जो आप सभी खिलाड़ी हैं वो नंबर टॉप से लेकर लास्ट तक दिखें पहले एंड मेरेडोना वेरी गुड नवनीत थैंक्स तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है फटा फटाफट से देखिए क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है विच मेटल इज फाउंड एट द फॉलोइंग प्लेसेस जल्दी से देखना है और चुपके से आंसर घुसेड़ देना है कितना फास्ट देते हैं देखता हूं यहां एक वर्ड ऐसा है जिससे आप आंसर बहुत फास्ट देंगे हाँ जी इंट्रोवर्ट आ रहे हैं नाश्ते का बंदोबस्त तो हो गया है पर अब रोज नाश्ता करने से क्या होगा आज थोड़ा सा अच्छा सा नमकीन और वो सब लेकर आइए ना चखना वगैरह सब कुछ है ना वो सब लाएंगे तब मजा आएगा ना थोड़ा सा उसमें कुछ मिठाई भी हो रे बहुत तेजी से चल रहा है बाबा, रे बाबा। सारे भेद बता रहा है ये तो बहुत तेजी से जा रहा है मैं नाम ही नहीं कह लू परमानंद उपाध्याय मैंने नाम लिया था क्या ले लिया था अगर नहीं लिया तो बेटा अभी ले लिया है देवजोशी है अमोली गुड आंसर इस बार और किसके आंसर दिख रहे हैं मुझे गौरव प्रकाश गुड वेरी गुड के जी एफ वंश एक्टलीफ बहुत बेटा. यही आंसर तो से निकालना था और चुप कैसे दे देना आंसर मैंने देख लिया है मैंने मैं उनका नाम बार बार नहीं लूंगा सारे लॉयंस का आंसर करेक्ट है इस बार यस तनिष गुड आंसर तनिष बार बार दे रहा है कह रहा है मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम तो ले लिया मैंने है ना ध्रुव कौशिक बेटा आपका भी नाम ले लिया देवजोशी वेरी गुड बेटा गुड आंसर तो आंसर क्या हो जाएगा गोल्ड हट्टी कोलार और रामगिरी ये तीनों ही कर्नाटका में गोल्ड की माइंस हैं वो वाले प्लेसेज हैं तो सोना लेकर नाटक करने लग गया ये क्या लिखा है ना वो पूछा ना कि बताओ सोना कहां है किसी ने पूछा कि बताओ सोना कहां है तो बड़े हल्के से किसी ने आंसर दे दिया कि पास के कमरे में जाकर सो जाओ ना भाई काहे चिल्ला रहे हो इधर उधर के सोना कहां है सोना कहां है क्या कहा कि पास के कमरे में जाकर सो जाइए ना क्यों पूछ रहे हैं बार बार कि सोना कहां है सोना कहां है तो कहां सोना है जहां नाटक है वहीं पर यस एटी गेमिंग 5.05 पॉइंट जीरो फाइव एटी गेमिंग फाइव पॉइंट जीरो फाइव उनके नीचे एक और नाम आ रहा है मंजीत कौर फाइव फिफ्थ ए सूबेदार मेजर रितेश कोलार बिल्कुल ठीक है रितेश तो यश सैनी हाँ आपका नाम लिखा यश सैनी वेलकम बेटा यश, यश 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 और कौन कौन है यश का नाम ले लिया मैंने कोई रह ना जाए सारे है ना सारे बदल डालूंगा कोई रह ना जाए सोना कहा है पास के कमरे में सोजा भाई जाकर काहे चिल्ला रहे हैं कि सोना बैंक में है लाकर में है हमारे तो बैंक लाकर की जरूरत नहीं इधर पास वाला कमरा है वहीं गद्दा रखा हुआ वहां जाकर सो सोजा राजकरण वेलकम और किसका नाम रह गया रविंद्र कुमार आजाद रविंद्र कुमार आजाद यस आप चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद हैं ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अमित चौधरी नाम है आपका एटी गेमिंग ओके फाइन त्यागी गुड गुड गुड, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो इजी वेरी इजी अच्छा सिल्वर कहाँ होता है हमेशा ज्यादातर सिल्वर वहां होगा जहां से लेड यानी सीसा और जिंक यानी जस्ता निकलता है जहां से लेड यानी पी एंड जिंक जेडन ये जहां से निकलता है सीसा और जस्ता वहीं से ज्यादातर क्या निकलेगी चांदी और यहां की खानों में आपकी भी क्या हो जाएगी चांदी ठीक है चांदी की डाल पर सोने का मोर ये चांदी की डाल उस पर सोने का मोर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले महामैराथन की इंफॉर्मेशन सभी को कंफ्यूजन था महामैराथन यूट्यूब चैनल पे ही होगी बेटा या किसका निशान आ रहे हैं देखिए जरा इसको बुड़बक ये किसका निशान है ये यूट्यूब का निशान है बेटा कैप्टन सर के गाइडेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए सर कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा शौर्य ये तो आप बता सकते हो बेटा हम कैसे बता सकते हैं ये तो बच्चे बता सकते हैं कि हम तो ये कहेंगे कि अगर यह एग्जाम शौर्य भारत के 500 बच्चे दे रहे हैं तो पांच सौ का होगा हजार दे रहे हैं तो हजार का होगा दस हजार दे रहे हैं दस हजार का होगा सुशी का नाम नहीं लिया आज सुशी को कैसे भूल गया मैं सुशी बेटा वेलकम शशि और सुशी वॉट वॉट एवर इट इज शशि सुशांत वेलकम बेटा जय हिंद सुशांत लाइटर सेवन नाइन जीरो जीरो सर यू आर माई रियल निग्गा वॉट इज आई डोंट नो प्लीज इलेबोरेट इट शाइनीज फंटास्टिक क्लब शशि ले भाई मेरा ले लिया सुशांत वेलकम और किसी का नाम तो नहीं रहेगा बमोला ओके लाइटर सर यू आर माई रियल निग्गा निग्गा मतलब क्या होता है बेटा वो तो बता राजकरण वेलकम गुड आंसर तो ये आपकी महामेराथन फोर्टींथ ऑफ जैन को अर्ली मॉर्निंग नाइन ओ क्लॉक स्टार्ट होगी लाइव होगा अब होगा हर वार अचूक है ना और ये इसका टाइम टेबल ये रहा सिक्स का ये है इन्थ का यह है आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा सिक्स का यह है नाइन्थ का वो है सिक्स वाले देख रहे हैं इधर और नाइन्थ वाले इधर नोट कर लीजिए आप देखिए मॉर्निंग में नाइन्थ ओ क्लॉक आपकी क्लास जो स्टार्ट होगी वह सब्जेक्ट होगा मैथ्स और करवाएंगे आपको संजय सर नाइन टू टेन संजय सर की क्लास चलेगी टेन से लेकर इलेवन इलेवन ए एम टू ट्वेल्व ए एम राइट ये लेंगे इलेवन एस एस जो है इलेवन जो है सोशल साइंस की क्लास मैं लूंगा सीवी सर ट्वेल्व साइंस की क्लास होगी ज्योति मैम वन पीएम अगेन साइंस कैप्टन सर तो ट्वेल्व टू वन इलेवन टू ट्वेल्व टेन टू इलेवन इलेवन टू ट्वेल्व मैं हूं आपका इसके बाद सीधा 3 पीएम से स्टार्ट है क्लास देखिए के बाद सीधा 3 पीएम है तो ये ब्रेक होगा अगेन मैं आ 3 पीएम पे सोशल साइंस ये टाइम टेबल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से आदर्श यादव आयुष यादव वेलकम गौरव प्रकाश सर समोसे खाओगे खिलाओ बेटा भूख लग रही है गरम गरम समोसे देव जोशी मजा आएगा आएगा मजा क्यों नहीं आएगा आदर्श देव जोशी और कौन कौन है सर मेरा नाम मैश ओके मैसी है क्या मैसी चलिए आगे बढ़ते हैं ये सिक्स के लिए है सिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है टेन एम मॉर्निंग में कैप्टन सर ले रहे हैं सबसे पहले मैथ्स तो यहां सभी ध्यान से जुड़े रहे हैं ना इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में फटाफट देखिए थ्री लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन डिसेंडिंग ऑर्डर अब यहां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है वर्ड कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में एक होता है असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम और एक होता है डिसेंडिंग ये डिसेंडिंग में पूछ रहे हैं बताइए अच्छा सुरेंद्र झाझरिया सर मेरा नाम संजिका है वेलकम सर ढोकले खाओगे खिला दीजिए भाई क्यों नहीं खाएंगे ढोकले खा लेंगे गौरव प्रकाश आंसर दे रहे हैं ए राजकरण दे रहे हैं डी नमन का आंसर आया है गुड देव जोशी यस कैप्टन सर लेंगे बेटा यस देव कर्नल युवराज डी गुड आंसर मनोज कुमार डी रक्षा भट्ट ओके okay, बहुत तेजी से चैट अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बहुत तेज जा रहा है गुड वेरी गुड 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 वंश राठौर बहुत बढ़िया यस yes, नाउ जल्दी से और बढ़ाइए भारत का कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है क्या शौर्य यस yes, सब कुछ है आप तो बढ़ते जाइए कदम कदम बढ़ाए जा है ना विनीत यादव गुड युवराज डी बहुत सारे आंसर आ रहे हैं अलग अलग अब डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ पहले तो मुझे ये बता दीजिए अब्दुल्ला डी दी कह रहे हैं देव जोशी डी कह रहे हैं नमन कह रहे हैं सर जी ठंडी लग रही हाँ आपको भी लगने लगी स्टडी मोटिवेशन सर जी स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ दिस डेज आगे मैसेज चला गया बेटा मैं मैसेज पूरा नहीं देख पा रहा हूं सर कदम कदम बढ़ाए जा और ढोकले खाए जा है ना नमन मनोज कुमार रानीगंज ओके तो यहां पर आंसर देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ झारखंड एंड ओडिशा डिसेंडिंग ऑर्डर है ये ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में यहां सबसे ज्यादा हुआ फिर यहां हुआ और फिर यहां ओडिशा में सी इज द करेक्ट आंसर डी नहीं होगा क्योंकि यहां डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है डिसेंडिंग घटते क्रम में यस yes. देखिए घटता क्रम क्या हुआ तो हम कहते हैं सबसे बड़ा उससे छोटा फिर छोटा फिर छोटा आप ऐसा समझिए इन असेंडिंग और डिसेंडिंग को समझने के लिए एक माउंटेन बना दीजिए असेंडिंग यानी आपको यहां से ऊपर जाना है तो छोटा बड़ा उससे बड़ा और सबसे बड़ा तो ये तो हुआ असेंडिंग राइट ये वाला अब डिसेंडिंग नीचे उतर रहे हैं आप वापस तो सबसे बड़ा से फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा तो छत्तीसगढ़ झारखंड एंड ओडिशा क्लियर है सबको हाँ असेंडिंग नहीं होगा नमन थोड़ा सा ध्यान दीजिए फ्रॉम नाउ दीज डेज सर वॉट आई नीड टू डू नाउ स्टडी मोटिवेशन यू जस्ट नीड टू अटेंड दीज सो आपको कुछ आइडिया हो सके और उस आइडिया से आप फटाफट से सारे आइडिया लगा सके क्लियर है सबको आपको भी क्लियर है ये जिन्होंने लिखा है क्लियर है सबको क्यों बोला मैंने ओ माई गॉड ये मुझे बोलना ही नहीं था ये तो उनके लिए था श्योरे सर मैं ऐड नहीं हूं कैसे करूं एड तो हम कर देंगे तुमको तो कहां करना है बताओ गॉट इट प्रियंका आर्या मनजीत कौर तो असेंडिंग और डिसेंडिंग को बस एक माउंटेन 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 बनाकर मतलब मतलब हम चढ़ रहे हैं ऊपर के है ना और डिसेंडिंग मतलब से नीचे उतर रहे हैं स्लोप से तो बड़े से हम जा रहे हैं छोटे की तरफ बेस की तरफ राइट चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा विच सेक्टर ऑफ इंडियन हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट बताइए हर्ष दवे गुड 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 हबीबी ओके okay, हबीबी क्या मतलब होता है मतलब भी बताओ फयाज अहमद हबीबी क्या होता है बताइए अर्थ इसका मुझे नहीं पता हर्ष दवे क्यों भाई कहां हो रहा है लैग सब कुछ सही है ना ह्यूमन साइबॉर्ग सर बी गूगल क्या है मैंने व्हाट्सएप ओके okay. अमोली सर डीएम ऑर्डर नहीं आया हा? नमन क्या आंसर आ रहा है आंसर बताओ फटाफट नव आंसर आ गया नमन का आ गया शिव प्रताप गुड सभी के आंसर बहुत तेजी से चल रहे हैं क्या क्या बात है -टु 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 -टु, ये तो फुल बुलेट चल रही है बुलेट रॉयल एनफील्ड गौरव प्रकाश त्यागी प्रियंकार ऑफिसर मनीष नमन ध्यान से आंसर देना है रिमार्केबल एक्सपेंशन का मतलब हुआ है कि लास्ट डेकेड में यानी पिछले दस वर्षों में इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर ने सबसे अधिक विस्तार किया है फैलाव किया है जगह जगह पे इसके सेक्टर के ये किस सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है वो स्टेब्लिश की गई है बहुत ध्यान से आंसर देना है इसका और लाइक बढ़ाते हुए आंसर देना है ये इतना कम क्यों हो गया अरे वापस शेयर करें क्लास को इससे भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आज क्लास को शेयर करेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन नहीं तो मैं यहां हूं ये लीजिए अच्छा बुलेट ट्रेन हाँ बिल्कुल नवनीत बुलेट ट्रेन की तरह ही भाग रहे थे ये कम क्यों हो गया अरे फटाफट शेयर करें जल्दी से आगे बढ़ाए रॉयल एनफील्ड यस मैसी आदेश वर्मा आदेश दीजिए सी बता रहे हैं मैसी तो सर लाइटर सेवन नाइन जीरो जीरो का कमेंट पढ़िए एक बार कहा है लाइटर वो तो बताओ मुझे यस सैनी क्या लिख रहे हैं ये क्या बना रहे हैं कूल कूल हबीबी होता है महान समझदार और आपके जैसा अच्छा हबीबी का ये अर्थ होता है कि आमोली क्या करे सर डीएम ऑर्डर नहीं आया सर डीएम

जुड़े इस चैनल से और जोड़ें अपने साथियों को और मनोज कुमार वेलकम और किसके नाम नहीं रहे थे तो आंसर क्या होगा अब आंसर देखिए इसका आंसर बताइए यस इंट्रोवर्ट आर्यन ने पकड़ लिया मुझे आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर टर्शियरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर इज द करेक्ट आंसर अब बताइए क्यों देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है फटाफट से याद कीजिए इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है आपको पता है नेचुरल प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री या रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ये सभी किस में आते हैं प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जिसको हम रियरिंग ऑफ लाइफ लाइफ स्टॉक कहते हैं डेयरी फार्मिंग जितने भी नेचुरल और नेचर से मिल रहा है हसबेंडरी और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक और डेरी फार्मिंग ये सब आता है हमारा किसमें प्राइमरी सेक्टर में क्लियर है सबको इज इट क्लियर और नॉट सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट यहां से आया उसका मैन्युफैक्चर किया तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट यहां से आया उसको यहां बनाया और मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग करके मार्केट में लाए अब बचा टर्शियरी सेक्टर ये कहलाता है सर्विस सेक्टर क्या कहलाएगा सर्विस सेक्टर जैसे कि बैंक जैसे कि बैंक और एक क्वार्टरनरी सेक्टर और होता है मैंने बताया था क्लास में सबको पता होगा लॉयंस को तो यहां सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया है तो आंसर सर्विस सेक्टर हो जाएगा और सर्विस सेक्टर किसका एग्जाम्पल है टर्शियरी सेक्टर का यस गुड आंसर गुड आंसर बहुत बढ़िया शाबाश रुके नहीं थमे नहीं चले बढ़े कदम बढ़ाए जा बढ़ाए जा और जो भी बनाया वो खाए जा चाहे समोसा चाहे ढोकला चाहे थेपड़ा चाहे पापला है ना सब कुछ यस yes, आईटी इन ट्रांसपोर्ट टर्शरी वेरी गुड सर्विस सेक्टर जितना भी सर्विस वाला है वो सब किसमें आएगा टर्शरी सेक्टर में ए दिया था बाद में ओके okay, मन मैं स्लो मोशन में कर रहा हूं अब सुशांत सर एसएसटी में कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैंने इसका भी एक वेबिनार में हमारे शौर्य भारत से बताया हुआ है कि हिस्ट्री वाले पोर्शन से क्योंकि हिस्ट्री में आपके मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का एम्पेसिस बहुत ज्यादा है इसी तरह से फिर आता है पॉलिटी में से आजकल पॉलिटी में से ज्यादा आ रहा है लाइटर से उसका ड्रीम पूछिए लाइटर से ड्रीम क्या पूछे ड्रीम उसका यही है कि वो और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं वो अपना एक एम लेकर इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं अपने विलेज का डिस्ट्रिक्ट का सिटी का स्टेट का और कंट्री का गौरव बनना चाहते हैं है ना एमआर आर क्या जा वाज एपिक क्या लिखा है फयाज ने क्या लिखा वंश हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर सारे चा, एक चैप्टर से थोड़ी ना आते बेटा आदर्श यादव ने सब्सक्राइब कर दिया है ओके थैंक यू बेटा गुड वीरेंद्र भोवाल क्या कह रहे हैं इंक्रीज ऑर्डर में कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल हैं सर उसकी भी नेक्स्ट अब डेली क्लास हो रही है आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा क्यों चिंता कर रहे हैं हिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं बेटा मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा पूछे जाते हैं

वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर का मतलब समझते हैं आप सभी पढ़ा हुआ है वेक्टर यानी जो इस तरह से डायरेक्शन बताता है दो क्वांटिटी होती है स्केलर एंड वेक्टर सुना होगा आपने ओके कैडोट आरव गुप्ता गुड थैंक यू सो मच शौर्य शर्मा वेलकम ओके शौर्य थैंक यू आपका भी आपने लाइटर को इस चैनल के लिए सजेस्ट किया गुड यही तो है पावर यही तो है वो सोर्स ऑफ द पावर आप में ही तो छुपा है वो सोर्स ऑफ द पावर जो ये बढ़ा सकता है ले जा सकता है थाउजेंड तक अभी जितना कम हो रहा है उसको थ्री हंड्रेड करना है और आप सब बैठे हुए हैं फटाफट से शेयर करें और बिल्कुल जोश को ढीला नहीं पड़ दें लॉयंस कहां गए सारे लॉयंस एक बार फिर वापस जोश दिला दें सभी को फटाफट से शेयर करें क्लास को जल्दी से लाइक सेशन को बढ़ाओ बहुत बढ़िया शाबाश सबको आंसर बहुत अच्छा आ रहा है बिल्कुल सीधा है डी इज द करेक्ट आंसर एज यू नो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी स्पीड किस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है सो डी इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल है ना क्लियर है ऑफिसर शार्दुल आक्रमण यस यलगार हो शार्दुल यलगार हो यलगार वर्ड क्या मीनिंग uh, भी यही होता है हर्ष दवे गुड चलिए अभिजीत कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले रहा हूं मैं बताइए द स्टेटस ऑफ एलगी इन एक्वेटिक फूड चेन इज डैश 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 क्वेश्चन मार्क बताइए आंसर द स्टेटस ऑफ एलगी इन द एक्वेटिक फूड चेन इज वेदर इट इज कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स होस्ट और स्मॉल इन साइज रंग दे बसंती चोला हाँ, रंग दे बसंती चोला शौर्य कह रहे हैं लॉयस फटाफट यलगार हो यस नवनीत एक्जेक्टली यलगार हो फटाफट से और तेजी से फास्ट कल तो थर्ड आ पैस अभी तक तो हम डबल सेंचुरी तक कैसे रुके हुए हैं ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचना है हमको जल्दी फटाफट फास्ट ट्रिपल सेंचुरी होनी चाहिए जल्दी यस चैट रेट बहुत तेजी से जा रही है एक और नया कार्तिक कार्तिक गुड शिवम प्रियंका आर्या सभी के आंसर आ रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा एलगी इन द एक्वेटिक फूड चेन सारे क्वेश्चन जो वर्ड हैं क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको आइडेंटिफाइड करना जरूरी है एलगी की बात कर रहे हैं एक्वेटिक यानी एक्वेटिक का मतलब होता है वॉटर और वहां पर जो फूड चेन बन रही है उसमें एलगी क्या है तो देखिए यहां पर आंसर क्या होगा एलगी इज ए काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर नहीं हो सकती है बेटा ध्यान रखिए आया था यस एग्जैक्टली शाइनीज फैंटेस्टी क्लब यू गॉट दिस क्वेश्चन इन योर पेपर यस एग्जैक्टली पीवाई क्यू है ये हंड्रेड परसेंट कोई बात नहीं नाव इट इज गुड कोई बात नहीं इट्स ओके okay. सो प्रोड्यूसर्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि एलगी क्या है इसमें क्लोरोप्लास्ट है और जो भी क्लोरोप्लास्ट होगा वो प्रोड्यूसर है वो फूड बनाएगी फोटोसिंथेटिक है ना फोटोसिंथेसिस होगा इसमें एलगी क्या करेगी फोटोसिंथेसिस करेगी फोटोसिंथेसिस करेगी तो फूड बनाएगी तो प्रोड्यूस करेगी ना कि कंज्यूम करेगी क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आउट द मिसमैच पेयर इन द फॉलोइंग पेयर स्पॉम्स टेस्टिस एग्स ओवरीज पोलन एंथर ओव्यूल सोमेटिक सेल बताइए इसमें से मिसमैच कौन सा है ये ए है ये बी है ये सी है और आपका एबीसीडी मैं वापस लिख देता हूं यहां पर दिस वन इज योर ए बी सी एंड डी यस गिविंग आंसर क्या आंसर होगा ये करेक्ट है एग्स ओवरीज से आते हैं पोलन एंथर बिल्कुल करेक्ट है ओव्यूल सोमेटिक सेल नहीं होता है है ना सोमेटिक सेल में नहीं आता ओव्यूल ओव्यूल क्या है जेनेटिक सेल है सो द आंसर इज डी मिसमैच कौन सा है डी इज द करेक्ट ये मिसमैच पेयर है ओव्यूल इज नॉट ए सोमेटिक सेल सोमेटिक सेल बॉडी के जो सेल होते हैं ना उनको कहते हैं जेनेटिक सेल में आता है ये है ना जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन डैश डैश क्वेश्चन मार्क जो केरला हमारा साउथ इंडियन स्टेट है उसमें जो सैंड है स्पेशली कौन सी जो बीच पर मिलती है आर रिच इन डैश 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 क्वेश्चन मार्क मैग्नीज रेडियम कैल्शियम और थोरियम बताइए आंसर यस yes, जल्दी कुछ एक क्वेश्चन रह गए आज थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं आराम से फटाफट से कहीं नहीं जाना है सोमेटिक बोले तो जो हमारे बॉडी के जो स्किन जैसे सोमेट सोमा यानी बॉडी देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स एक जिसको हम कहते हैं जर्म सेल्स और एक होता है सोमेटिक सेल्स सोमेटिक जिसमें सेल्स में ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज बनते हैं और जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं क्लियर ओके गुड 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 यस आंसर क्या हो जाएगा थोरियम बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश गुड आंसर डी इज द करेक्ट आंसर तो केरला की सैंड्स में जो मोनोजाइट्स है वहां पर थोरियम मिलता है थोरियम में भी क्या है वो मोनोजाइट ठीक है ये इंपॉर्टेंट आंसर है तो थोरियम आप तो ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन सिंहभूम इज फेमस फॉर डैश 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 क्वेश्चन मार्क सिंहभूम ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हाँ यस सुशांत ने सबसे पहले आंसर दिया था गुड फटाफट से पी वाई क्यू है ये भी बिल्कुल है शिवम गुड गुड हंड्रेड परसेंट पी वाई क्यू है क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएंगे आपके पास उज्वल तोमर वेलकम कुदासी क्या लिख रहे हैं फयाज कौन सी लैंग्वेज में लिख रही हैं उसने हबीबी लिखा था हबीबी का मतलब कुछ और होता है मैं आज देखूंगा यू आर माई हबीबी क्या मतलब हुआ यू आर माई हबीबी हबीबी hey, तो क्या आंसर होगा भूमि इज फेमस फॉर यस गुड आंसर कैडेट नेगी वेरी गुड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम आयरन कोल और कॉपर क्या होगा सिंहभूम मैक्सिमम सी दे रहे हैं कुछ डी दे रहे हैं जैपनीज क्या लिख रहे हैं बताइए क्या लिख रहे हैं सैनिक स्कूल प्रिपरेशन सी दे रहे हैं अच्छा उमर अब्दुल लिख रहे हैं हबीबी मीन माय लव सर ओके दिस इज द मीनिंग इज़ लैगिंग ओ माय गॉड हबीबी मीन माय लव सर इज इट फयाज क्या कहती है अभिजीत कुमार सी शिवम तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं सिंहभूम देखिये सिंहभूम आयरन ओवर्स के लिए फेमस है बी इज द करेक्ट आंसर एज वेल एज यहां कोल भी है पर मैक्सिम नहीं है सिंह भूमि इज फेमस फॉर आयरन ओर बी इज द करेक्ट आंसर अच्छा शोर ए कर हबी बी मीनिंग इन हिंदी प्रिय आई डोंट थिंक युवराज बी इज द करेक्ट आंसर आयरन ओर है यहां पर फेमस ठीक है मनोज कुमार सी नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अंकलेश्वर इज फेमस फॉर बताइए अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है डैश 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 क्वेश्चन मार्क अंकलेश्वर गुजरात में है ये बताइए मुझे मैंने क्लू दे दिया आपको अंकलेश्वर इज फेमस फॉर वॉट कार्तिके बी बता रहे हैं गॉट इट प्रियंका आर्या ओके okay. बताइए कैडट आरव गुप्ता वापस आ गए क्या अनमोल ब्रो वंश राठौर नमन आज तो तुक्के भी नहीं लग रहे <laughs> बेटा क्वेश्चन ही ऐसे अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है बताइए मैक्सिमम के आंसर आ रहे हैं अंकलेश्वर इज फेमस फॉर for... गुजरात में है मैंने आपको क्ल्यू दे दिया है जल्दी जल्दी शेयर कीजिए क्लास को अब लास्ट दो लास्ट के क्वेश्चन है ये लास्ट दो क्वेश्चन ओनली फटाफट शेयर कीजिए धोनी बहुत तेजी से क्या बात है बहुत बढ़िया शाबाश गुड फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार लास्ट क्लास को सभी सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जो नए आए हैं शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर पेट्रोल रिजर्व्स है यहां पर अंकलेश्वर इज फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व सी इज द करेक्ट आंसर नव वेरी गुड बहुत बढ़िया शबाश नवनीत बहुत सारे आंसर डी डी में डी नहीं होगा अंकलेश्वर में न्यूक्लियर पावर कहां स्टेशन है नहीं है बेटा डायमंड माइंस सूरत में है वो भी माइंस नहीं है डायमंड माइंस हमारे यहां बहुत कम है पन्ना जो एमपी में है वहां है डायमंड माइंस एमपी और सूरत में इसकी पॉलिशिंग होती है ये कोई मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट नहीं है ना दामोदर का रिवर प्रोजेक्ट दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट और बहुत सारे जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है ना वो नहीं है जल्दी से इसको बढ़ा दें फटाफट पड़ से शेयर को बढ़ा दें नेक्स्ट वेन स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द ओवम द चाइल्ड बॉर्न विल बी डैश 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 क्वेश्चन मार्क बायोलॉजी से रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन uh, वाला चैप्टर उसमें से मेल फीमेल मेल एज वेल एज फीमेल ट्विन और इट डिपेंड्स ऑन द चांसेस ऑफ फ्यूजन बताइए यस वंश ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बेटा बताइए आंसर बताओ 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 जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट लास्ट क्वेश्चन बचा फिफ्टीन लेंगे फिफ्टीन करके ही जाऊंगा पूरे फिफ्टीन क्वेश्चन करके जाऊंगा आज मैं बहुत बढ़िया शबाश गुड सुशांत कुछ ए बता रहे हैं कुछ और बता रहे हैं तनिष चला गया दिखता है हाँ जी बिल्कुल क्या आंसर हो सकता है बताएं बताएं फटाफट बताएं बताइए जल्दी से गुड 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 वेरी फास्ट शेयर कर दीजिए क्लास को धुआंधार शेयर कर दीजिए लास्ट चांस यस अब देखिए यहां पर हमने पहले कह दिया कि स्पर्म में जो क्रोमोसोम है वो एक्स है स्पर्म का एक्स ओवा जो ओवम है उसमें वाई तो होता ही नहीं है ना वो तो एक्स ही होगा तो एक्स और एक्स का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा फीमेल बट समाइम्स हमने स्पर्म है अगर ये एक्स वाई होता तो चांस हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूजन तो एक्स एक्स हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा ठीक है एक्स एक्स होगा तो क्या हो जाएगा फीमेल एंड लास्ट वन लास्ट क्वेश्चन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज बताइए इसका आंसर यस yes, नमन एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल कॉन हैरी सर आई थिंक दे चेक्स इन गूगल बट माई स्कूल मैम टोल्ड मी एंड एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होते हैं माई मीनिंग वॉज नॉट रॉन्ग ट्रस्ट मी बाई गॉड ट्रस्ट मी यस ट्रस्टिंग बेटा डोंट वरी सुशांत यस आई एम ट्रस्टिंग यू फयाज डोंट वरी अपना दिमाग केवल आप तो आंसर में लगाइए बेटा कुछ भी हो सकता है वॉट एवर इट इज आई नो देर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स

मेलेकोलॉजी क्या होता है आपने सुना होगा स्नेल स्नेल और जो यूनियो या जो ऐसे बनाते हैं जो जिससे मोती मिलता है हमको है ना पर्ल इससे मिलता है मेलेकोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी फिश की स्टडी को कहते हैं इक्थियोलॉजी फिश इक्थियोलॉजी एंड पैरासाइट्स की स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी तो दैट इज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स मिस्टर लाइव टीवी सब बता देंगे संडे को मैराथन क्लास तक मैं सब पूछ कर रखता हूं ये सारे क्वेश्चन मार्क करके और उस मैराथन में आपको सब बताया जाएगा ये मेरा सेशन होगा आपको टाइम मैंने बता दिया है व्हाट इज सेफ स्कोर हर बार चेंज होता है सो डोंट वरी सेफ स्कोर चेंज होगा ये मैराथन है फोर्टीन जैन अर्ली मॉर्निंग नाइन ओ जिसमें टाइम टेबल क्लियर बता दिया था ये यूट्यूब चैनल पे फ्री है सो डोंट वरी स्टूडेंट आप जैसे आज देख रहे हैं वैसे भी देख सकते हैं ओके थैंक यू सो मच लव यू टू ऑल आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया बहुत अच्छी तरह से बने रहे उसके लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत कैडेट नेगी बाय सर बाय बेटा नवनी लॉयंस का थैंक यू वेरी मच इसी तरह से कूटनीति करते रहे शौर्य हर बार ये अर्थ नहीं होता बेटा डोंट वरी फयाजी अहमद डोंट वरी बेटा थैंक्स